दोस्तों ये 2008 का क्लिप है। एक मेरा पैकेज था, एक जब मैं टीवी चैनल में था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 14 दिसंबर 2008 को वाकया हुआ था, जिसमें उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इराक में जूते पड़े थे, 10 नंबरी 2 जूते पड़े थे। तो उसकी वीडियो भी कुदरती बन गई थी और पूरी दुनिया में बड़ी वो चली, उसके ऊपर गेमें भी बनी। और उस पे फिर एक शू क्लब का एक उस पे फिर एक शू क्लब की टर्म भी ईजाद हुई थी कि जिन जिन लोगों को जूते पड़े, बहुत से लोग थे उस पे। वीडियो गेम्स बनी, उसमें भी तस्करा मिलेगा आपको। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि इराक के साथ या अफगानिस्तान के साथ ये दहशतगर्दी की जो जंग के नाम पे तमाशा किया गया था, उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या था, बरतानिया का किरदार क्या था, ऑस्ट्रेलिया का किरदार क्या था। तो एक छोटा सा पैकेज है 4-5 मिनट का, तो अब इसमें आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी। और ये भी अंदाजा होगा कि जो लोग अपने दिलो दिमाग से नहीं सोचते उनके साथ होता क्या है। तो देखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा और आगे तस्करा आप सुन लेंगे कि किस बंदे को 6 करोड़ जूते पड़े थे। को हिला कर रख दिया, वहीं इसके असरात ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया। मुबीना दहशतगर्दी की इस वारदात को मुसलमानों से जोड़ने की उजलत ने जहां शकुक व शुबहात पैदा किए, वहीं इस हवाले से अमेरिका के इकदामात ने आज दुनिया को एक अंधेरी गली में धकेल दिया है। वस्ती एशिया की रियासतों के तेल के जखायर तक अफगानिस्तान के रास्ते रसाई हासिल करने की नाकाम कोशिश के बाद 9/11 का ड्रामा हुआ और अफगानिस्तान को तह तह करके एक कठपुतली हुकूमत खड़ी कर दी गई। फिर झूठी और मनगढ़ंत इत्तला'आत को बुनियाद बनाकर इराक पर चढ़ाई कर दी गई। इराक पर चढ़ाई की शय अमेरिका को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मिली और अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमारे कमांडो जनरल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को एक फोन कॉल से ही ढेर कर लिया गया था। 9/11 के बाद के आलमी मंजरनामे पर गौर किया जाए तो जहां दुनिया का अमन तबाह बर्बाद हो चुका है, वहीं झूठ फरेब और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी शर्मनाक अंदाज से अंजाम को पहुंचती दिखाई देती है। अमरीकी सदर बुश को अपने मफतू मुल्क इराक में आखिरी बोसा 10 नंबरी 2 जूतों से मिल चुका है। दुनिया को जंगो जदर में धकेलने वाली सुपर पावर का गुरूर जिस तरह खाक में मिला है, दुनिया भर में इस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि बुश के दीगर हमायतियों के साथ क्या कुछ हुआ। सबसे पहले स्पेन के वजीर आजम जोज अजनार लोपेज का हवाला सुन लीजिए। मौसूफ ने अवाम की उमंगों के खिलाफ इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। 1996 से सन 2000 तक की उनकी पहली टर्म के बाद स्पेन के अवाम ने सन 2000 में भी उन्हें 45% वोट देकर दोबारा वजारत उज़्मा के मनसबे जलीला पर पहुंचाया। वजीर आजम जोज अजनार ने मुबीना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2002 में अमरीकी पॉलिसियों की हिमायत कर दी। वो बरतानिया के टोनी ब्लेयर के नक्शे कदम पर चलते चलते अवामी मुहासबे का शिकार बन गए। 2004 के इंतखाबात के बाद उनकी ईवाने इकतदार से रुखसती हो गई। 27 जून 2007 को बुश के एक और हमायती टोनी ब्लेयर के इकतदार का सूरज गुरूब हो गया। टोनी ब्लेयर अमरीकी पॉलिसियों की हिमायत करने में बहुत आगे चले गए थे। 11 सितम्बर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमलों के बाद अमरीकी हाँ में हाँ मिलाने वालों में टोनी ब्लेयर सर फहरिस्त थे। बुश की अंधी हमायत करने पर उन्हें मुल्की और गैर मुल्की सतह पर शदीद का सामना करना पड़ा। उन्हें बुश का पालतू कुत्ता कहा गया। उन्होंने अपने आप को साबिक बरतानवी वजीर आजम और आयरन लेडी मार्गरेट थेचर का बेटा कहलाने की ख्वाहिश की, लेकिन मार्गरेट थेचर का रद्दमल था कि वो इस एजाज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। 3 मई 1997 से शुरू होने वाला उनका यह दौर हुकूमत 27 जून 2007 को खत्म हो गया। उनकी जमात की मकबूलियत इंतहाई कम सतहों को छूने लगी थी। वो अपनी पार्टी के गोल्डन ब्राउन को उज़्मा में इक़्तदार सौंप कर कूचा इश्क से बाहर आ गए। 3 दिसंबर सन 2007 को एक और बुर्ज जमीन बोस हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम जॉन हॉवर्ड थे। अमरीकी पॉलिसियों की अंधी तकलीद उन्हें इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के साथ ले डूबी। अमरीकी हमायत के खिलाफ दुनिया भर में उठने वाली आवाज पर उन्होंने कान न धरे और आंखें बंद करके अमरीकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। यूं ऑस्ट्रेलियाई अवाम के गैज़ो गज़ब ने उनके 9 साल इकदार का खात्मा कर डाला। इस साल 18 अगस्त को वतन अजीज में भी अमरीकी हाँ में हाँ मिलाने वाले जनरल मुशर्रफ को घुटने टेकने पड़े। 12 अक्टूबर 1999 को जमहूरी हुकूमत पर शफून मारने वाले कमांडो जनरल ने रोशन ख्याली के नाम पर मजहब इस्लाम को बैकफुट पर ला खड़ा किया। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इस्लाम पर रकीब
ठीक हमले किए और उनमें ताहाल ठहराव आता दिखाई नहीं देता। अमरीका ने जनरल मुशर्रफ को कैरेट और स्टिक के दबाव में लाकर घुटने टेकने पर मजबूर किया था और फिर लालचो तहरीज की फिजा में उन्होंने अमरीकी नमकखारी का सिला मुकम्मल अमरीकी ताबेदारी की सूरत में दिया। इकतदार से रुखसती के बाद मौसूफ रोशन ख्याली के नाम पर दुनिया में लेक्चर देने बैरून मुल्क जा बसे हैं। मौसीकी और रक्स सुरूद की महाफल से लुत्फानंदोज होने वाले जनरल साहब अब दुनिया को इस्लाम की खुद साख्ता तस्वीर पेश करेंगे। अल्लाह खैर करे। बना है शाह का मसाहब, फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वहां सुपर पावर अमरीका के सदर इस कबीले के सुरखेल थे और रवां साल होने वाले इंतखाबात में सदर बुश की जमात को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताजा तरीन वारदात इराक में उस वक्त हुई जब एक इराकी सहाफी ने उन्हें दो जूते दे मारे। बुश ने दोनों जूतों से अपना सर तो बचा लिया लेकिन जूतों को अमरीकी झंडे पर जा बरसने का रास्ता साफ कर दिया। यूं जूते अमरीकी सदर की पुश्त पर खड़े अमरीकी झंडे पर जा लगे। आज ये इराकी सहाफी दुनिया भर का हीरो है और इसके मस्कूरा जूतों की कीमत करोड़ों डॉलर लगाई जा चुकी है। अमरीकी तहवीर में तशद्दुद करके मुंतजरुल जैदी नामी इस मर्द मुजाहिद की पस्तियां तोड़ी जा चुकी हैं, लेकिन अपने फ्रेब और झूठ पर जिस शख्स को शर्म आनी चाहिए वो खिफत अमेज अंदाज से मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इंटरनेट विजिट कर लीजिए, पूरी दुनिया में इस दिलचस्प मगर सबक आमोज वाक़े पर खुशी का इजहार किया जा रहा है और खुश होने वालों में ईसाई, मुसलमान, यहूदी, गर्जे के हर मजहब के अफराद शामिल हैं। इंटरनेट पर ब्लॉग्स दिलचस्प तबसरों से भरे पड़े हैं और दिलचस्प गेम्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट पर लोगों ने खेल खेल में तकरीबन 3 करोड़ जूते अमरीकी सदर के मुंह पर दे मारे हैं। ये सबक है तारीख का और झूठ फरेब के इस कजिए को खत्म होने में चंद साल ही तो लगे हैं। ये सबक है उन हुक्मरानों के लिए जो लालच और धौंस धांधली में आकर अपने दिलो दिमाग को दूसरों के यहाँ गिरवी रख देते हैं। अमीर शहर से सारे हिसाब लेंगे, गरीब शहर के बच्चे जवान होने दे। अब्दुल अलीम कमर, चैनल 5, लाहौर।